ईडी को लेकर बातें करी, मैनिफेस्टो क्या हो और आगे उनमें क्या पॉइंट होने चाहिए, क्या ईडी की 3 साल की नाकामियां हैं जिनको बच्चों के सामने जाके रखना है, क्या यूनिवर्सिटी में कमियां हैं जो कि जो सुविधाएं हमारे छात्रों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और हम अगर आते हैं जीतते हैं तो हम क्या करेंगे, सबको लेकर चलते हैं। आपकी राज्य में सबसे बड़ी कमी क्या लगी आपको? अब मैं समझता हूँ कि एनओसी यहाँ पर काफ़ी मजबूत है, लेकिन आपस में गुटबाजी की वजह से ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ जाते हैं, तो मैंने हमने कोशिश की कि सब एक एकजुटता के साथ एक परिवार की तरह यहाँ पर चुनाव लड़े, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम लड़े। सर एक ही ग्रुप में 2 डिवीज़न है, अलग अलग हो रहे हैं। आज भी आपकी मीटिंग में भी गुटबाज देखने को मिली, एक जो पक्ष था उसने वॉकआउट कर दिया, धर्मेंद्र चौहान की अगुवाई में जो पक्ष आया उसने वॉकआउट कर दिया, तो ऐसे नेताओं को किस तरह से निपटेंगे? देखिए पहली कोशिश तो हमारी है कि सबको बैठ के एक साथ मिला लिया जाए और एक लिमिट तक सबसे बात भी की जाएगी, और उसके बाद को नहीं मानता तो फिर संगठन देखेंगे किस प्रकार से बात। लेकिन इस तरह की नाराजगी ऐसे मौके पर कहाँ तक जाएगी? उनकी नाराजगी उनसे बात करेंगे, नाराजगी की वजह पूछेंगे, नाराजगी दूर करी जा सकती होगी तो उससे दूर करेंगे। सर उनका कहना है कि एक जो कैंडिडेट है जो फैकल्टी जीएस के लिए लड़ रही है भूमिका बारो, दो बार हार चुकी है, वो 2 बार से बीपी हार रही है, फिर भी उसको फैकल्टी में एक बार लड़ाया जा रहा है, तो उनकी वो नाराजगी उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि वो जो है उसको विद्यार्थियों ने अभी तक चुना नहीं है, फिर से उसको रिपीट किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर ऐसी बात है तो बात मैं करूँगा, लेकिन अगर ऐसा है तो लिखो कि कमेटी के हिसाब से तो एक बार जब चुनाव लड़ लेता है, जीते आ रहे हो तो चुनाव दोबारा लड़ ही नहीं सकता, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कुछ नए नियम कर देता है, उसके बाद लेकिन आपका अभी तक ध्यान नहीं गया, ये बात मेरे सामने अब तक किसी ने रखी नहीं है। उनका यह कहना है कि वो भी एक प्रदेश लेवल के हैं, लेकिन उनको ये डिसीजन बताया नहीं है कि इन लोग ने कैंडिडेट रखी कर लिया। अभी तो कोई कैंडिडेट फाइनल हुए नहीं है, मैं यहीं पे सबसे बात करूँगा, सबकी बात सुनूंगा, उसके बाद ही संगठन को यहाँ पर। थैंक यू।